हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 269 पे जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। चाइल्ड बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट अग्री। इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6,000 रुपीज। ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। हमने देखा है, अगर ट्रायल बैलेंस के वक्त हमें कुछ डिफरेंस मिलता है, हम उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं एंड देन वी कैन रेक्टिफाई द एरर्स यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट, राइट? लेट अस सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड। रेक्टिफाई द एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए, इस तरह से हमें एक जर्नल बनाना है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट लाइक दिस। अभी हमें पहला क्या दिया हुआ है, लेट अस बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। हमें दिया गया है दैट द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट अग्री and it showed an excess credit of 6,000. Now be very very careful. Trial balance में excess credit है 6,000 rupees से, right? और अगर मुझे trial balance का balance tally करना है, total को tally करना है, तो अगर credit ज्यादा है तो मुझे suspense account का balance कहाँ पे डालना पड़ेगा? Suspense account को मुझे debit करना पड़ेगा 6,000 से, तब जाके मेरा trial balance tally होगा, राइट? बिकॉज क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स डेबिट साइड के टोटल कम है, तो मुझे सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस मिलेगा। तो माई स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ 6,000। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो जाती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेस क्रेडिट एंड सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है? सो प्लीज एंश्योर दैट यू रीड इट प्रॉपरली। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट साइड कम है, राइट? अगर डेबिट साइड कम है तो जहां पे कम है वहां पे मैं सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिखती हूँ, सो दैट माय ट्रायल बैलेंस टैलीज, इजंट इट? ओके, अभी क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। फर्स्ट हमें क्या है एरर दी हुई, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत 8,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000 रुपीज। Now we will prepare our working note और working note में हम step by step करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है cash received from रमाकांत 8,000 rupees। तो correct entry क्या होती थी, अगर मुझे cash मिली है रमाकांत से तो मेरी correct entry होगी cash account debit to रमाकांत 8,000। तो मैं यहाँ पे मेरे working note में चलती हूँ और correct entry के column में I am going to write down cash account debit 8,000 टू रमाकांत अकाउंट 8,000, राइट? ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। अभी मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देखो यहां पे दिया है इट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000। नाउ अगेन, मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर रेक्टिफिकेशन हमें बहुत अच्छी से पता करना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस For our basics to be very very clear. अगर posting बोला है, इसका मतलब गलती कहाँ हुई है? गलती ledger में हुई है. That means my primary entry is correct. Entry मैंने सही pass की cash book में, लेकिन जब मैं posting करने गई तो वहां पे मैंने post करते वक्त his account में 6,000, किसके account में? रमाकांत के account को 8,000 के बजाय 6,000 दे दिया। मतलब मैंने क्या किया, मतलब जब मैं रमाकांत के लेजर में गई, ये मेरा रमाकांत अकाउंट है, यहाँ पे आई शुड हैव क्रेडिटेड बाय 8,000 रुपीज, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 6,000 से क्रेडिट कर दिया, राइट? दिस इज व्हाट आई हैव डन। दैट मींस मेरा ये सिंगल साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है, isn't it? Because सिर्फ मैंने पोस्टिंग में गलती की है, तो मैं ये गलती को कैसे सुधारूंगी? मुझे यहाँ पे रमाकांत को वापस करना पड़ेगा क्रेडिट बाय 2,000, तब जाके ये टोटल हो जाएगा 8,000 और यहाँ पे टैली हो जाएगा, राइट? तो मैं इसे सुधारूंगी बाय गिविंग क्रेडिट टू रमाकांत बाय 2,000 रुपीज, राइट? लेकिन यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ सस्पेंस अकाउंट, तो व्हेनेवर देयर इज अ सिंगल साइडेड एरर I will be able to use the suspense account. Correct? ये हमने देखा हुआ है पहले भी। तो यहाँ पे मेरी correction की, rectification की entry होगी। Suspense account debit 2,000 to Ramakant 2,000. Right? So let me go to my journal proper and here I am going to write down suspense account debit 2,000
टू रमाकांत अकाउंट 2000। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमाकांत 8000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6000 नाउ रेक्टिफाइड। ओके ऑल राइट आगे क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नमन 7000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हाउएवर नमन्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। अगेन क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नमन 7000। इतनी हमारी एंट्री क्या आती थी, अगर वी हैव परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट हमारी एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नमन 7000। तो हमारे वर्किंग नोट में वी विल राइट डाउन परचेजेस अकाउंट डेबिट 7000 टू नमन अकाउंट 7000। करेक्ट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहां पे क्या किया, व्हाट हैज बीन गिवन, इट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। दैट मीन्स प्राइमरी बुक में प्राइमरी रिकॉर्ड है राइट, ये हमारे सारे जो सब्सिडियरी बुक्स है दीज आर आर प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। तो यही पे मेरी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कर दिया। तो यहाँ पे सेल्स बुक में अगर मेरा रिकॉर्डिंग हो गया तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, नमन अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट राइट। अगर मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कर दिया है तो दिस इज व्हाट माय एंट्री विल लुक लाइक। लेकिन हमें आगे और कुछ दिया है, देखो आगे क्या दिया है, हाउएवर नमन्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। मतलब जब हम नमन के लेजर अकाउंट में गए तब हमने नमन के अकाउंट को बराबर से क्रेडिट कर दिया। मतलब ये जो यहाँ पे डेबिट दिया है ये हमने किया नहीं, ये कर दिया विच इज करेक्ट। तो नमन के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया तो ये पोर्शन हमें भूल जाना है बिकॉज ये हमारी एंट्री सही हो गई। हमारी गलती कहाँ हुई, हमने ये जो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 7000 से, दिस इज माय मिस्टेक। तो ये कैसे सुधारेंगे हम, सेल्स को डेबिट करके विद इक्वल अमाउंट। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7000 से, सेल्स अकाउंट डेबिट 7000 राइट। ये गलती को सुधार दिया, लेकिन एक्चुअल एंट्री मेरी होनी क्या चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट 7000। तो परचेजेस को भी हम डेबिट कर देते हैं 7000 से, परचेजेस अकाउंट डेबिट 7000। अभी ये तो दोनों भी डेबिट हो गए, तो अभी आई विल यूज माय सस्पेंस अकाउंट फॉर दिस जर्नल एंट्री। तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू सस्पेंस अकाउंट 14000। गेटिंग इट, दिस इज हाउ माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल लुक लाइक। नाउ आई विल पास दिस इन माय जर्नल प्रॉपर। सो लेट अस गो टू द जर्नल एंड राइट दिस एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट 7000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 7000 टू सस्पेंस अकाउंट 14000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नमन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। ओके आगे रिटर्न इनवर्ड्स बुक ओवरकास्ट बाय 1000। रिटर्न इनवर्ड इसका क्या मतलब होता है, दिस इज माय सेल्स रिटर्न राइट। और सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अभी हमें क्या दिया गया है, रिटर्न इनवर्ड्स बुक ओवरकास्ट बाय 1000। इसका मतलब ये जो डेबिट बैलेंस है ये ज्यादा हो गया राइट। तो इसे हमें अभी रेक्टिफाई करना है, तो क्या करेंगे, डेबिट को रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करेंगे 1000 से। तो नाउ दिस बिकम्स माय वन साइडेड एंट्री, मुझे क्रेडिट करना है रिटर्न इनवर्ड को 1000 से। तो मैं इस एंट्री को पास करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज माय सस्पेंस अकाउंट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू रिटर्न इनवर्ड 1000। सो लेट अस पास दिस एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 to return inward account 1000. Narration being return inward book overcast by 1000 now rectified. All right. Again,
टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अभी ये समझने के लिए हमें हमारे सब्सिडियरी बुक्स के तरफ जाना पड़ेगा। सब्सिडियरी बुक्स में हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे जो टोटल है दैट वी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, राइट। तो ये जो सेल्स बुक की टोटल है ये जानी चाहिए मेरे सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। अभी हमें क्या दिया गया, द टोटल ऑफ 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, तो पोस्ट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। अगेन दिस बिकम्स माय वन साइडेड एरर। तो इस एरर को पूरा करने के लिए, जर्नल एंट्री को पूरा करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से। तो मेरी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। तो लेट अस गो टू द जर्नल, यहां पे हम लिख लेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000 एंड नरेशन बीइंग टोटल ऑफ सेल्स बुक नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ओके एंड लास्ट क्या दिया गया है, लेट अस सी, मशीनरी परचेज्ड फॉर 10,000 वाज पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट एज 5,000। मतलब क्या हो गया, अकाउंट भी गलत है और अमाउंट भी गलत है, दो गलतियां हमने यहां पे कर दी। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बाइफरकेट दिस एंट्री। यहां पे हम लोग मशीनरी परचेज फॉर 10,000, यहां तक की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर मैंने मशीनरी परचेज की है नाउ माय एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, राइट। तो करेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं यहां पे लिख रही हूं मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, दिस शुड हैव बीन माय एंट्री। लेकिन मैंने यहां पे क्या कर दिया, क्या बोला है हमें, इट वॉज पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट एज 5,000। पोस्टिंग में हमने गलती कर दी, मतलब हमने क्या किया, ये एंट्री हमने सही पास की वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री, लेकिन जब हम पोस्टिंग करने गए तो हम मशीनरी के अकाउंट में नहीं गए, हम गए परचेजेस के अकाउंट में, ठीक है, और हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया लेकिन अमाउंट भी गलत की, यहाँ पे हमने 5,000 से परचेजेस को डेबिट कर दिया। तो वाइल पोस्टिंग हमने गलती कर दी है, परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है 5,000 से, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पहले पता करना है कि हमने सही क्या किया, यहाँ पे हमने क्या सही किया, यहाँ पे हमने ये जो कैश अकाउंट है इसको हमने सही से क्रेडिट कर दिया है। Why? Because हमें स्पेसिफिकली दिया गया है that while posting सिर्फ purchases में हमने गलती कर दी, right? इसका मतलब cash में हमने सही से ये लिखा है, alright? तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 10,000 से। तो अभी हम जाएंगे मशीनरी अकाउंट में और उसे डेबिट कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, और ये जो हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है गलती से, ये हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब अगर डेबिट किया है तो उसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगी टू परचेजेस अकाउंट, राइट। इफेक्ट अगर मुझे नलीफाई करना है तो जो डेबिट गलती से किया था उसे नलीफाई करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी यहां पे कुछ बैलेंस बच रहा है, व्हाट इज दैट बैलेंस, सी 5,000 रुपीज का बैलेंस है। Now we know double entry accounting system है, तो मेरा जो debit का total है वही मेरे credit की total होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे there is a difference. उस difference का हम क्या करेंगे, that we are going to transfer to our suspense account. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी to suspense account 5,000. Getting it, हमारी entry क्या हो गई यहाँ पे, machinery account debit 10,000 to suspense account and to purchases account. All right? So let us pass this entry here. मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट 5,000 एंड टू परचेजेस अकाउंट 5,000। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड रॉन्गली पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड।
अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारे जर्नल की टोटल करनी है एंड सस्पेंस अकाउंट में सारे हमें पोस्टिंग्स करने हैं। सो लेट अस डू द टोटल ऑफ आवर जर्नल नाउ। यहां पे मेरी टोटल आ रही है 37,000। ओके एंड लेट अस सी सस्पेंस अकाउंट में क्या करेंगे। सस्पेंस अकाउंट में वन बाय वन वी आर गोइंग टू डू द पोस्टिंग्स। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत 2,000। सो लेट अस गो टू द सस्पेंस अकाउंट। And here I'm going to write down 2,000 to Ramakant. Okay, आगे क्या दिया है? Purchases account debit, sales account debit to suspense 14,000. तो यहां पे मैं लिख दूंगी by purchases account, by sales account 7,000. ठीक है, आगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड 1,000. सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1,000. ओके आगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000. ओके आगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट 5,000 टू परचेसेस अकाउंट 5,000. तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट 5,000 से हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय मशीनरी अकाउंट 5,000. नाउ लेट अस डू द टोटल हियर। माई टोटल कम्स टू 19,000 रुपीज। देखिए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी नहीं है, निल बैलेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने सब सही सॉल्व किए हैं रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज। आर यू गेटिंग इट? अगर हमने सब सही सॉल्व किया है तो सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए आफ्टर ऑल द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर डन। ऑलराइट, अगर बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू लेट योर कमेंट्स पोर इन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, What are you waiting for? Subscribe करिए। मैं आपका पूरा portion complete करने वाली हूँ class 11th and class 12th का। So मेरे साथ बने रहिए। मैंने chapter wise playlist बना के रखा है। I hope you all are going through all the lectures. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. आपके friends और family में भी share करिए। मिलती हूँ आपको next video में। Till then, take care. Bye bye.